Namaste and welcome to my YouTube channel. This time it's very yummy, tempting and specially winter made recipe. Let's not waste the time and get straight into the video. चने की दाल को और उड़द की दाल को 3-4 घंटे गर्म पानी में भिगो के रखना है. उसके बाद 1 कप चने की दाल को और 2 टेबलस्पून उड़द की दाल को मिक्सचर में ग्राइंड करना है. 1/2 इंच अदरक की पेस्ट और 1 चिल्ली की पेस्ट हम लोग उसमें ऐड करेंगे. वन टेबलस्पून बेसन लेंगे. 1/4 कप कर्ड दही लेंगे. ये सबको हम लोग अच्छे से ग्राइंड करेंगे. और ये मिक्सचर को हम लोग 8-10 आवर्स फर्मेंटेशन होने के लिए रख देंगे. फुल नाइट एकदम गर्म जगह पे रखना है इसको फर्मेंटेशन के लिए. अब थोड़ा हम लोग एक सेपरेट बाउल में निकाल के रख देंगे. अच्छे से मिक्स करेंगे. उसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे. 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट. और अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है. पानी ऐड करेंगे मिक्सचर को थिन करने के लिए. अब आखिर में डालेंगे 1/2 टीस्पून इनो. ये सबको अच्छे से मिक्स करना है फॉर 2-3 मिनट्स. प्लेट लेना है, ग्रीस इट विद द ऑयल. आई हैव ऑलरेडी ग्रीस्ड इट. उसमें हम लोग ये बैटर डाल देंगे. प्री हीट 2-3 मिनट्स. उसके बाद वो बैटर रखेंगे फॉर 15-20 मिनट्स. उसको एक थाली से ढक देना है. हम लोग उसका फेमस मसाला बनाएंगे. अब 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून मिर्ची, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च. ये सब इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स करेंगे. ये हो गया हम लोग का रेडी. एक सर्विंग ट्रे में उसको सर्व करेंगे. उसके बाद हम लोग ने जो मसाला बनाया है वो ऐड करेंगे. गार्निशिंग के लिए ऑनियंस, धनिया, सेव ऐड करेंगे. और 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर. और ये हो गया हम लोग का सुरती लोचा रेडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सब्सक्राइब आवर चैनल. प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फर्स्ट. लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. होप यू लाइक इट.